दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। दूसरे दिन भी हिरासत में लिए जाने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले मुख्यमंत्री को पीटा जा रहा है, तोड़ दी पूर्व गृह मंत्री की पसली। आपको बता दें कि नेशनल होराल्ड केस में राहुल गांधी से सोमवार को 10.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आज दूसरे दिन भी उनसे केंद्रीय जांच एजेंसी सवाल जवाब कर रही है। इधर राहुल गांधी के पार्टी ऑफिस से ईडी दफ्तर के लिए निकलते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई नेता और कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में भरकर दूसरी जगहों पर ले जाया गया। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस ऑफिस के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हिरासत में लिए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को घसीटा जा है, पूर्व गृह मंत्री की हड्डी तोड़ दी गई। इससे पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को असंवैधानिक करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि सरकार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से परेशानी इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसानों, नौजवानों, मजदूरों की आवाज उठाई तथा कोरोना संकट एवं सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेरा। आपको बता दें कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि जब कोई FIR ही दर्ज नहीं है तो फिर पूछताछ के लिए कैसे बुलाया जा सकता है। यह पूरी कार्यवाही पूरे तरीके से असंवैधानिक और प्रतिशोध की राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर भाजपा के निशाने पर राहुल गांधी और कांग्रेसी क्यों हैं? क्या ईडी की कार्यवाही जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है? सुरजेवाला ने दावा किया है कि जब चीन ने हमारे देश की सरजमी पर जबरन कब्जा किया और हमारे जवान शहीद हुए तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई आया है। उस समय राहुल गांधी ने सरकार को इस झूठ पर घेरा और शहीद जवानों के लिए आवाज उठाई, इसलिए राहुल गांधी से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई से हो रही जनता की बदहाली पर राहुल गांधी ने लगातार सरकार को घेरा है। पेट्रोल डीजल हो, रसोई गैस हो, खाने पीने का सामान हो, उन्होंने लगातार देश के मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर और गरीबों, छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों के पक्ष में जोरदार आवाज उठाई, इसलिए राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा पहले भ्रष्टाचार किया और अब कर रहे ड्रामा। आपको बता दें कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है, एजेंसी की तरफ से ताबड़तोड़ सवाल किए जा रहे हैं। वहीं इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले भ्रष्टाचार करते हैं फिर ड्रामा करते हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी पहले नंबर की आरोपी हैं तो राहुल गांधी दूसरे नंबर के आरोपी हैं। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने खुलासा किया है कि कांग्रेस ने पहले भ्रष्टाचार किया और अब ड्रामा कर रही है। अगली बड़ी खबर, ईडी के अधिकारियों के सामने नर्वस हो गए राहुल गांधी, नहीं दे पाए कई सवालों के जवाब। आपको बता दें कि नेशनल होराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को ईडी के सामने पेश हुए। राहुल गांधी की लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने पेशी हो रही है। इससे पहले वो सोमवार को दिल्ली के ईडी ऑफिस पहुंचे थे जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई। राहुल गांधी से पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की थी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ईडी की तरफ से पूछे गए कई सवालों के जवाब टालते दिखे। पूछताछ के दौरान राहुल गांधी ने ईडी के अधिकारियों से कहा कि क्या यहां पर सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से ही पूछताछ होती है या किसी और को भी यहां पर बुलाया जाता है। हालांकि पूछताछ करने वाले अधिकारियों ने उनके इस तरीके के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके अलावा राहुल गांधी को सड़क पर भले ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने VIP ट्रीटमेंट दिया, लेकिन ईडी के दफ्तर में पूछताछ के दौरान उन्हें कोई भी VIP ट्रीटमेंट नहीं मिला। राहुल गांधी से उसी तरीके से पूछताछ हुई जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामलों में बाकी आम आरोपियों से पूछताछ होती है, और शायद ये बात राहुल गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी। इस पूछताछ में राहुल गांधी से 50 से ज्यादा सवालों के जवाब पूछे गए। आपको बता दें कि उसमें पूछा गया कि यंग इंडिया नाम की कंपनी में वो कितने प्रतिशत के हिस्सेदार हैं, ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी तो इसके पास इतना सारा पैसा कहां से आया, क्या ये कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड
यानी AJL नाम की दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए बनाई गई थी। AJL की 2000 करोड़ की संपत्ति की देखभाल इस समय कौन कर रहा है? राहुल गांधी से यह भी पूछा गया कि सैम पित्रोदा और सुमन दुबे से क्या संबंध है और कैसे कंपनी उनके पास आई। ये पूरा मामला AJL की संपत्तियों और 900 करोड़ के एक लोन से जुड़ा है। आज सवालों की नई कड़ी के साथ ईडी पूछताछ कर रही है और राहुल गांधी के लिए हर सवाल का जवाब देना और ईडी को संतुष्ट करना आसान नहीं होगा। और बड़ी खबर, 10 घंटे तक राहुल गांधी ने दिए जवाब, 11 घंटे तक हिरासत में रहे 459 कांग्रेसी, आज फिर से हो रही पूछताछ। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अधीर रंजन चौधरी, KC वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के 459 कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं करने पर हिरासत में ले लिया। हालांकि विभिन्न थानों में लगभग 11 घंटे तक हिरासत में रखे जाने के बाद सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं के साथ में मारपीट करने और उनके चोटिल होने संबंधी आरोपों की गंभीरता से जांच की जाएगी। नेशनल होराल्ड अखबार से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ दिल्ली में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उसके कुछ नेताओं के साथ में पुलिस ने मारपीट की है। कांग्रेस ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि आज फिर से राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है और आज फिर से पुलिस ने कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। और ये बड़ी खबर, हिंसा के चलते यूपी में 337 गिरफ्तार, जारी होगा पोस्टर, रांची में उपद्रवियों से नुकसान की हो रही भरपाई। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के बाद देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरों ने देश को हिलाकर रख दिया था। अब इस मामले पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। देश में हिंसा फैलाने वालों के घर तोड़े जा रहे हैं, संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से वसूली जा रही है। इस में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, यहां तक कि उपद्रवियों के पोस्टर जारी करने के भी आदेश दिए गए हैं। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिमों ने जो विरोध प्रदर्शन किया वो हिंसक हो गया, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। कई जगहों पर तो कर्फ्यू तक लगा दिया गया था। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक हिंसा की घटनाएं सामने आई। पहले कानपुर में हिंसा हुई, जिसके बाद देखते देखते प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद और देवबंद में हिंसा की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों की धरपकड़ चालू की और अब तक 337 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रयागराज में हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद के घर को ध्वस्त कर दिया गया है, तो वहीं कानपुर में हिंसा में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली है। इसके साथ ही प्रयागराज में हिंसा में शामिल उपद्रवियों का पोस्टर भी जारी किया जाएगा। झारखंड प्रशासन ने भी हिंसा पर रांची जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। रांची DC ने नगर निगम आयुक्त को आदेश दे दिया है कि मकानों वाहनों का डिटेल निकाल कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर दें। आपको बता दें कि रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन उपद्रवियों से रकम वसूलेगा। इसके अलावा पिछले हफ्ते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद फैली हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल में भी 200 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों के खिलाफ 42 मामले दर्ज किए गए हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा राहुल गांधी की बुलंद आवाज से डर गई भाजपा। आपको बता दें कि राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन ईडी की पूछताछ जारी है। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर से प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आखिर मोदी सरकार या फिर भाजपा के निशाने पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस क्यों है? ईडी की कार्यवाही क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज दबाने का षड्यंत्र है? केवल राहुल गांधी पर इतने हमलावर क्यों हैं? इन सवालों का जवाब देश को जानना जरूरी है। सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी की बुलंद आवाज से केंद्र सरकार डर गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के निशाने पर हमेशा राहुल गांधी क्यों रहते हैं? राहुल गांधी ने किसान की आवाज उठाई, जनता की आवाज उठाई। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा में जाते ही भ्रष्ट नेता गंगा की तरह पवित्र हो जाते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिरकार राहुल गांधी को ही निशाना क्यों बनाया जाता है?
उन्होंने जवाब दिया कि राहुल गांधी की बुलंद आवाज से भाजपा डर गई है। और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, 18 महीने में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का कर दिया ऐलान, मिशन मोड में भर्ती के दे दिए निर्देश। आपको बता दें कि रोजगार के मुद्दे पर अक्सर सवालों का सामना करने वाली मोदी सरकार शायद इस संकट को दूर करने का प्लान तैयार कर रही है। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगले 1.5 सालों में ही केंद्र सरकार के तमाम विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। पीएमओ इंडिया अकाउंट से इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्वीट किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को आदेश दिया है कि अगले 1.5 सालों में इस पर मिशन मोड में काम किया जाए और 10 लाख लोगों को भर्ती किया जाए। आपको बता दें कि मोदी सरकार का यह फैसला रोजगार की मांग कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। पटना, इलाहाबाद जैसे शहरों में युवा रेलवे भर्ती के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं। मोदी सरकार पर हमला करते हुए अक्सर उस पर रोजगार न दे पाने का आरोप लगता रहा है, खासतौर पर नोटबंदी, जीएसटी और फिर कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होने के चलते निजी क्षेत्र में भी नौकरियों के अवसर ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार का ये ऐलान सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो गया। आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सरकार को आदेश दिया है कि अगले 1.5 सालों में इस पर मिशन मोड में काम किया जाए और 10 लाख लोगों को भर्ती किया जाए। और ये बड़ी खबर, अवसेना में भी 4 साल के लिए होगी भर्ती, मोदी सरकार ने मिशन अग्निपथ योजना का कर दिया ऐलान। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की मिशन अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया है। इस स्कीम के तहत सेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना में भर्ती युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्स में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने एवं हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आपको बता दें कि आज मोदी सरकार ने मिशन अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया है, जिसमें सैनिकों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, यूपी में अमन चैन बिगाड़ने वालों पर और होगी सख्ती, तैयार हो रही अराजक तत्वों की लिस्ट। ये आपको बता दें कि सूबे का अमन चैन बिगाड़ने वालों पर शासन और सख्ती करने जा रहा है। डीजीपी के निर्देश पर ऐसे लोगों की थानावार सूची बनाई जा रही है। यदि किसी ने एक से अधिक बार ऐसी हरकत की तो उसके खिलाफ जिला बदर से लेकर गैंगस्टर तक की कार्रवाई की जा सकती है। भाजपा की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 जून को कानपुर में बड़ा बवाल हुआ था। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की थी, इसमें कई पुलिस कर्मी घायल हुए थे। इसके बाद अगले जुमे यानी 10 जून को कानपुर तो शांत रहा, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन हुए। प्रयागराज, अंबेडकर नगर, सहारनपुर समेत कई जिलों में भीड़ ने शांति व्यवस्था को तार तार कर दिया। मुरादाबाद में भी प्रदर्शनकारी करीब 2.5 घंटे तक सड़कों पर रहे। ऐसा तब हुआ जब अधिकारी जगह जगह शांति समिति की बैठकें करते रहे। इसे देखते हुए ही डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने सूबे के सभी पुलिस अफसरों को अमन चैन बिगाड़ने वालों की थानावार सूची बनाए जाने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे लोगों ने अगर दोबारा ऐसी घटना को अंजाम दिया तो उन पर गैंगस्टर तक की कार्रवाई की जाएगी। और ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए शरद पवार ने तो कर दिया इनकार, अब विपक्ष की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार, इन नामों पर हो रही चर्चा। ये आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने स्थिति लगभग साफ कर दी है। उन्होंने हुई बैठक में बताया कि वो राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का चेहरा नहीं है। माना जा रहा था कि शरद पवार इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं हाल ही में खबरें सामने आई थी कि कई छोटे बड़े सियासी दलों ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है। सोमवार को एनसीपी के कैबिनेट सदस्यों के साथ में शरद पवार ने बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि मैं दौड़ में नहीं हूं, मैं राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार नहीं बनूंगा। खास बात है कि इससे एक दिन पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी शरद पवार के नाम पर समर्थन जताया था। वहीं रविवार को अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उनसे मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि शरद पवार के इनकार करने की स्थिति में जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नाम पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और G23 समूह के नेता गुलाम नबी आजाद का नाम भी सामने आ रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।